सो हे गाइस, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप अपस्टॉक डीमैट अकाउंट के जरिए फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो, सो उसमें अगर आपको कुछ भी प्रॉफिट होता है, सो जो प्रॉफिट रहता है सो आपको डीमैट अकाउंट में कब मिलेगा, यानी आप उसको कब विड्रॉ कर सकते हो, कब उसको यूज कर सकते हो, और जो प्रॉफिट रहता है सो उससे आप कब ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हो। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको फुल डिटेल्स में बताने वाला हूँ। बाकी गाइस, मैं आपको 100% रियल विथ प्रूफ के साथ दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो इसीलिए आज मैंने जो अपस्टॉक डीमेट अकाउंट है सो इसके जरिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग किया था, जिसमें मुझे प्रॉफिट हुआ, बट जो प्रॉफिट है मेरे डीमेट अकाउंट में नहीं आया है। सो आज मैं आपको वही बताऊंगा कि जो भी प्रॉफिट रहता है सो आपको कब मिलेगा। बाकी इस अपस्टॉक ही नहीं, जो और भी अगर आप किसी भी डीमेट अकाउंट के जरिए फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे सो जो भी प्रॉफिट रहता है सो सबके लिए अभी सेम रूल निकाला हुआ है सेबी ने। सो आज मैं आपको उसी के बारे में बताने वाला हूँ। चलिए बाकी फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, अभी मैंने यहाँ पे अपस्टॉक डीमैट अकाउंट में लॉगिन कर लिया है। सिंपल मैं यहाँ पे पोजीशन में आ जाता हूँ, और जैसे यहाँ पे पोजीशन में आऊंगा यहाँ पे देख सकते हो आज का जो प्रॉफिट एंड लॉस है, यानी टोटल प्रॉफिट है 701 रुपए, बट ये मेरे डीमैट अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। सो सिंपल डीमैट अकाउंट में जो भी फंड है आपको देखने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको प्रोफाइल पे क्लिक करना है। सो गाइस, जैसे आप सिक्योरिटी वॉलेट में आ जाओगे, जो भी आपको फंड होगा यहाँ पे अकाउंट में देखने को आओगे, तो यहाँ पे देख सकते हो जो हमारा अवेलेबल बैलेंस है जो कि है 5012 रुपए, और यहाँ पे जो 5000 रुपए जो कि देख सकते हो मैंने आज ही यहाँ पे डिपॉजिट किया था, और बाकी जो 12 रुपए था सो ऑलरेडी मतलब पहले का 12 रुपए था। सो यहाँ पे टोटल अभी जो भी अवेलेबल है यानी यूज करने के लिए, सो यहाँ पे देख सकते हो 5000 यूज करने के लिए अवेलेबल है। बाकी यहाँ पे जो आज का प्रॉफिट है सो अभी तक ये मेरे अकाउंट में क्रेडिट नहीं हुआ है। सो इसी के बारे में आपको मेन इम्पोर्टेंट तो हमारा यही था कि जो भी प्रॉफिट होता है सो हमारे डीमैट अकाउंट में कब आता है। तो चलिए अभी मैं आपको पूरा डिटेल्स में बता देता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो कि ग्रो की वेबसाइट पे एक आर्टिकल है जो कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से बताया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो इंटरडे बाय सेल प्रॉफिट अमाउंट हैज बीन ब्लॉक्ड एज पर सेबी रेगुलेशन, यानी सेबी का जो नया रूल है सो उसके तहत यानी जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट रहता है सो उसको ब्लॉक कर दिया जाता है, और फिर आपका जो प्रॉफिट अमाउंट रहता है सो उसका नेक्स्ट डे यानी T+1 डे के बाद जो भी आपका प्रॉफिट अमाउंट रहता है सो आपके डीमैट अकाउंट में आ जाता है। सो सपोज कीजिए आज मैंने यहाँ पे 31 मार्च को यहाँ पे ट्रेड किया जिसमें मुझे 701 रुपए का प्रॉफिट हुआ, और जो प्रॉफिट अभी मुझे कल के दिन 3:30 बजे मेरे डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। सो गाइस, अभी मैं यहाँ पे फिर से रिकॉर्डिंग करूंगा जैसे जो भी मेरा प्रॉफिट है ऐड हो जाएगा। सो गाइस, आज है 2 अप्रैल और फाइनली जो भी हमारा फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट हुआ था सो यहाँ पे देख सकते हो हमारे डीमैट अकाउंट में सक्सेसफुली ऐड हो गया है। सो गाइस, कभी भी अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेड करोगे सो जो भी उसमें आपको प्रॉफिट होगा सो उसके लिए T+1 डे का वर्किंग डे का टाइम लगता है आपका डीमैट अकाउंट में आने के लिए, यानी जो भी प्रॉफिट होता है सो उसको टाइम लगता है, आपके अकाउंट में सेम डे को क्रेडिट नहीं होता है। जैसे अभी सपोज कीजिए आपने मंडे को ट्रेड करते हो सो आपका जो भी प्रॉफिट होगा वो मंडे को ना आके ट्यूजडे को 3:30 बजे आ जाएगा। और गाइस, वैसे मैंने यहाँ पे ट्रेड किया था 31 मार्च को सो यहाँ पे 1 तारीख को आ जाना चाहिए था, बट 1 तारीख को सेटलमेंट हॉलीडे होने की वजह से यहाँ पे हमारा प्रॉफिट आज आया यानी 2 तारीख को क्रेडिट कर दिया गया है। सो यही रहता है गाइस, जब भी आप ऑप्शन फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करोगे सो जो भी आपका प्रॉफिट होगा सो आ जाता है T+1 डे के बाद, सो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। नहीं तो कोई कोई ज्यादा पैनिक में हो जाती कि हमारा प्रॉफिट कहाँ गया, डीमैट अकाउंट वालों ने काट तो नहीं लिया, सो ऐसा कुछ नहीं होता है। पूरा जो भी आपका प्रॉफिट होता है सो सेटलमेंट के बाद आपके अकाउंट में देखने को मिल जाता है। सो यहाँ पे देख सकते हो। सो गाइस, मैंने कल ट्रेड किया था और कल की ट्रेड में मुझे 230 रुपए के समथिंग लॉस हो गया था, सो जिसकी वजह से यहाँ पे मुझे 700 रुपए का प्रॉफिट ना आके कुछ ऐसा 423 रुपए के समथिंग आया है। बाकी चलिए मैं अभी आपको जो लेजर रिपोर्ट है सो उसमें भी मैं आपको दिखा देता हूँ। गाइस, यहाँ पे देख सकते हो जो मुझे प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे मैंने 31 तारीख को ट्रेड किया था जिसमें मुझे टोटल 647 रुपए का जो भी चार्जेस वगैरह कट के सो यहाँ पे 647 रुपए आ गया था, जो कि मुझे आज 2 तारीख को क्रेडिट कर दिया जाता है। सो यही रहता है गाइस। और बाकी यहाँ पे मैंने 1 तारीख को भी ट्रेड किया था, सो 1 मिनट यहाँ पे मैं चेंज कर लेता हूँ फाइनेंशियल ईयर, और उसके बाद मैं कर देता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो अभी आप यहाँ पे मैंने 1 अप्रैल को ट्रेड किया था जिसमें मुझे 236 रुपए का लॉस हो गया था, सो जो भी टोटल कट के यहाँ पे 5723 रुपए का मेरा बैलेंस रह जाता है। सो गाइस, मैंने आपको फुल प्रूफ के साथ दिखा दिया है कि जो भी आपका प्रॉफिट रहता है सो T+1 डे के बाद आपके अकाउंट में आ जाता है। सो यही रहता है गाइस, और बस आज का वीडियो यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी वीडियो पसंद आएगा। सो थैंक यू सो मच गाइस वीडियो देखने के लिए।